सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज लेक्चर। आज के लेक्चर में हम लोग आगे करने वाले हैं सम स्टैंडर्ड रिजल्ट्स एंड लिमिट्स के अंदर ही अपना फोर्थ रिजल्ट, फिफ्थ रिजल्ट और लास्ट में अपना सेकंड रिजल्ट देखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने ऑलरेडी फर्स्ट और थर्ड रिजल्ट पूरा प्रूफ के साथ डिस्कस कर लिया था, कुछ पर्टिकुलर एग्जाम्पल्स लेके, और सेकेंड फोर्थ एंड फिफ्थ आज हम देखेंगे इस क्लास के अंदर। तो सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं अपना फोर्थ रिजल्ट, रिजल्ट नंबर फोर। बट इट सेज कि लिमिट ऑफ एफेक्स एज एक्स अप्रोचेस सी इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट द पॉइंट सी एग्जैक्टली वेयर एफेक्स इज अ रियल पॉलिनोमियल एन एक्स। इसका क्या मतलब है, इसको पहले मैं लिख लेता हूँ नीचे फटाफट से। ओके, सो हम लोग करने वाले हैं अपना फोर्थ रिजल्ट। फोर्थ रिजल्ट क्या कहता है, यस नाउ इट्स फाइन, लिमिट ऑफ एफएक्स एज एक्स अप्रोचेस सी इज सेम एज वैल्यू ऑफ द फंक्शन एग्जैक्टली एट द पॉइंट सी इफ एफ इज अ रियल पॉलिनोमियल इन एक्स। एफएक्स इज अ, या एफएक्स बोल लो सर। हाँ ओके, मैं करूंगा अभी एक्सप्लेन, एक मिनट दो बस। कोई डाउट और है इसके अलावा यहाँ पर? नहीं सर, वो एफएक्स वाले कह रहा था मैं। हाँ मतलब ये फंक्शन को एफ बोलता हूँ ना मैं, तो एफएक्स तो वैल्यू हो जाती है उसकी, कोई दिक्कत नहीं है। एफएक्स लिख लो इसको, अब यहाँ पे एक टर्म आई है सबसे पहले रियल पॉलिनोमियल। तो हम लोग रिकॉल करते हैं अपने अपने प्रीवियस लेक्चर में जब पूरा फंक्शंस पढ़ रहे थे वहाँ पे पॉलिनोमियल फंक्शन पढ़ा था। तो पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, एक फंक्शन होता है आर से आर पे। वो कैसे डिफाइन होता है, अगर उसकी डिग्री एन है, एन कोई पॉजिटिव इंटीजर है, तो ऐसे डिफाइन था। इस फॉर्म के एक्सप्रेशन को हम एक पॉलिनोमियल बोलते हैं, डिग्री एन का पॉलिनोमियल या फिर पॉलिनोमियल फंक्शन, डिग्री एन का, जहाँ पे जो ये ए ज़ीरो ए वन टिल ए एन कहाँ से आते हैं, रियल नंबर्स होते हैं, और एक कंडीशन होती है कि जो मेरा ए एन है ये क्या होगा, नॉन ज़ीरो, क्योंकि ये लीडिंग टर्म है। नॉन ज़ीरो क्यों होना पड़ेगा इसको, तक क्योंकि उसकी डिग्री एन है, अगर ये ज़ीरो हो गया तो डिग्री कम हो जाएगी। इसको नॉन ज़ीरो क्यों होना पड़ेगा, बिकॉज ऑफ दिस थिंग, ये क्या है, डिग्री। क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट इसका? सर नहीं समझ आया, लाइक ये एक पॉलिनोमियल की डेफिनेशन है, मैंने इसे नया इंट्रोड्यूस किया कि एक फंक्शन सेट ऑफ रियल नंबर्स से सेट ऑफ रियल नंबर्स पे डिफाइंड है, तो एक पॉलिनोमियल की ये फॉर्म होती है। जैसे अगर मैं कुछ एन की कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज लूँ और ए ज़ीरो ए वन की कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज लूँ, तो एक एग्जाम्पल देखते हैं तुम्हें समझ में आएगा अभी मैं क्या कह रहा हूँ। देखो एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं इसका, एफ एक्स इक्वल्स टू सपोज एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस थ्री। तो ये जो फंक्शन है ये पॉलिनोमियल है डिग्री टू का, क्या है, डिग्री टू का। यस सर, तो इसको मैं क्वार्टिक पॉलिनोमियल भी बोल सकता हूँ या क्वार्टिक फंक्शन भी बोल सकता हूँ। यहाँ पे अगर तुम इसको इस वाली इक्वेशन इसको वन बोल दो, इससे कंपेयर करोगे तो एन की वैल्यू टू हो गई यहाँ पे, एक्स स्क्वेयर और एक्स और वन, मैंने सबसे पहले बड़ा टर्म लिखा है उसका डिग्री के सेंस में, सबसे पहले लीडिंग पावर लिखी है, फिर उससे छोटी और फिर कॉन्स्टेंट टर्म। तो एक एग्जाम्पल है क्वार्टिक फंक्शन का या फिर क्वार्टिक पॉलिनोमियल का इन द वेरिएबल एक्स। अब ये क्लियर है आता एग्जाम्पल? यस सर। तो ऊपर जो मैंने लिखा है वो जनरल एन डिग्री का लिखा है, वेयर एन इज अ नेचुरल नंबर। एन क्या है, एक नेचुरल नंबर, तो उसकी डिग्री क्या है, एन है। क्लियर,
आई विल टर्न ऑफ माई कैमरा बिकॉज यहाँ पे कुछ यस सर। लैग फील हो रहा है मेरे को ना, एक सेकेंड दो। हेलो हेलो, यस सर, अभी आवाज़ आ रही है? यस सर, ओके आ रही है सर। तो यहाँ पे मैं क्या बोल रहा था कि एक पॉलिनोमियल है डिग्री टू का, एंड लेट मी फुल स्क्रीन इसको फुली कर लेते हैं क्योंकि बेटर विजिबल होगा। तो पॉलिनोमियल डिग्री टू का है यहाँ पे, एक सेकेंड लेट मी व्यू इट इन बिट हाई। या तो यहाँ पे मैं क्या बोल रहा था इसको कि ये क्या एक फंक्शन हो गया सेट ऑफ रियल नंबर्स से सेट ऑफ रियल नंबर्स पे। अगर तुम इस फंक्शन की अब लिमिट निकालना चाहते हो, यस क्या निकालना चाहते हो? सर, लिमिट। लिमिट तो वो रूल क्या कहता है? अगर तुम लेट सी बी ए रियल नंबर, जिस पॉइंट के अराउंड लिमिट निकालना चाह रहे हो उसको, एक फिक्स कोई तुमने रियल नंबर चूज़ कर लिया, तो लिमिट ऑफ एफ एक्स एज एक्स अप्रोचेस सी, मतलब एक्स की वैल्यूज जब तुम्हारी सी के करीब जाएंगी तो इस फंक्शन की लिमिट किसके बराबर होगी? वो क्या कहता है कि तुम फंक्शन में एक्स को सी से रिप्लेस कर दो, तो जो ये आंसर आएगा ये उसकी लिमिटिंग वैल्यू हो जाएगी। एग्जैक्टली तो ये रूल कह रहा है सिंपल। तो यस सर, अगर मैं ऊपर वाला एग्जाम्पल लूँ और यहाँ पे सी को कुछ फिक्स कर लो, मेरे को एक सी की वैल्यू दो खुद से, सर 4। सी तुमने फोर चूज कर लिया, तो वो क्या कहता है कि अगर मेरे को फाइंड करना है यस लिमिट ऑफ एफ एक्स, मैं क्या फाइंड करने में इंटरेस्टेड हूँ? लिमिट ऑफ एफ एक्स एफ व्हेन माय एक्स 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 अप्रोचेस सी 4। अप्रोचेस यस 4 सॉरी। हाँ, क्योंकि सी फोर है, सी तुम्हारा फोर चूज किया ना तुमने। हाँ यस सर, तो वो क्या कहता है कि तुम फंक्शन को फोर पे इवैल्यूएट करो डायरेक्ट, ये इसकी लिमिट निकल जाएगी। वो रूल क्या कहता है कि इस फंक्शन फोर की ना पुट फोर कर पे देगा वैल्यू फोर। निकाल दो। हाँ, तो फंक्शन ये है यहाँ पे, ये वाला, इसमें तुम एफ ऑफ यस फोर सर, एफ ऑफ यस फोर सर, निकाल सकते हो, कुछ नहीं है। फोर स्क्वेयर प्लस फोर प्लस थ्री 16 प्लस 4 यस सर 23। 23 आ गया। तो यहाँ से क्या बोलेंगे, देयर फोर यस सर, लिमिट ऑफ एफ एक्स एज एक्स अप्रोचेस फोर इज 23। तुम फंक्शन को रख के भी दिखाओगे वहाँ पे, मतलब हर बार जनरल फंक्शन जब पता है तो उसकी वैल्यू रिप्लेस कर सकते हो ना, और कैसे ले सकते हो, लिमिट ऑफ यस ऐसे ब्रैकेट लगा के व्हेन एक्स अप्रोचेस फोर इज 23। यहाँ तक क्लियर? यस सर, एक और एग्जांपल लेते हैं। ओके यार सर, तो ये तो यहाँ इजी वाला एग्जांपल था, इस पे तो आ जाएगा। ये थोड़ा सा आंसर, लेकिन एग्जांपल तो सर ऐसे नहीं होगा ना, ऐसे हो सकता है वैल्यू ज्यादा दे दे, लाइक थोड़ा लंबे क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल हाँ, वो कुछ भी दे सकता है, तुम एग्जांपल खुद से क्रिएट कर सकते हो। बोलो, तो मैंने एफ को नाम जी दे दिया, जी एक्स इक्वल्स टू एक्स की पावर 10 तो एक माइनस 9x। पार्ट सपोज मैंने खुद से एग्जांपल ले दिया, मैं तुमसे कह रहा हूँ कि फाइंड यस सर, लिमिट ऑफ जी एक्स एज एक्स अप्रोचेज -1। मैं तुमसे ये बोल रहा हूँ कि इसकी वैल्यू क्या होगी। क्वेश्चन क्लियर है? यस सर, सी क्या है इस केस में? -1। -1 है। तो रूल क्या कहता है? अगर मेरे को इस फंक्शन की लिमिट सी पे निकालनी है तो मैं माइनस वन पे सर निकाल। तो हाँ बोलो, पुट कर देंगे हम इस पे, लाइक किस में? जीएक्स में। अगर इसको मैं नाम इक्वेशन 1 दे दूँ तो 1 तो ऊपर ले लिया यस इसको, सर, सपोज 2 दे देते हैं तो कुछ भी दे दो उससे मैटर नहीं करता, इसको हटाओ यहाँ से। सपोज इक्वेशन कैपिटल ए, तो हमें क्या फाइंड करनी है? ये फाइंड करना है, तो ये किस चीज़ के बराबर होगा? यस सर, जी ऑफ -1, यस सर, ये लिमिट, ये वाली पूरी चीज़, ये किसके बराबर होगी? जी ऑफ -1। तो तुम जी ऑफ यस -1 सर, निकाल सकते हो, क्या होगी?
यस आसानी से आ जाएगा, जहाँ जब माइनस वन x, की पावर 10 हाँ बोलते रहो, माइनस नाइन माइनस वन तो ये पावर इवन माइनस है वन तो की इवन बन पावर जाएगा। वन आ जाएगा और वो माइनस हो जाएगा, वो प्लस हो जाएगा माइनस वन बाहर 10। यस सर, देखो लिमिट ऑफ एक्स की पावर 10 माइनस 9x एज एक्स अप्रोचेज माइनस माइनस वन वन इज टेन, इज 10। इसको ब्रैकेट लगा दोगे यहाँ पे क्योंकि तो पूरा फंक्शन है ना इसलिए। यस सर, क्लियर? यस सर, क्या कर दिया मैंने, एक सेकेंड। ओके तो रूल क्या कह रहा था कि जब भी मेरे को फंक्शन की लिमिट निकालनी है, फंक्शन कैसा है इम्पोर्टेंट है मेरा यहाँ पे, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि एक रियल पॉलिनोमियल है, ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। ये मैं खाली कब रख सकता हूँ लिमिट, डायरेक्ट फंक्शन में लिमिट निकालनी है तो सी पॉइंट के रियल अराउंड, तो एक्स को मैं सी से कब रिप्लेस करूँगा जब मेरा फंक्शन क्या होगा, एक पॉलिनोमियल होगा, यस सर, फंक्शन क्या होगा, एक पॉलिनोमियल हो गया उस केस के अंदर, और किसी ओके टाइप के फंक्शन में नहीं बात कर रहे हैं यहाँ पे हम। सर, क्लियर? यस सर, ओके अभी दोबारा से जाते हैं। तो ये हमारे फोर्थ रिजल्ट था जो मैं पढ़ना था, उसमें कुछ नहीं है इसके अंदर ये वाला। क्लियर? यस सर, उसके अंदर फिफ्थ कराता हूँ पहले तुम्हें फिफ्थ, क्योंकि ना जब तुम पढ़ोगे डेरिवेटिव्स उससे कुछ रिलेटेड लेकिन है, मुश्किल लग रहा है। बहुत सिंपल है। एक सेकेंड और, पहले चलो फिफ्थ ही करते हैं। लिमिट ऑफ एक्स एन एन माइनस ए, एक सेकेंड इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ एन एस तक, मेरे को लेट्स गो डाउन। ये हमें देखना है रिजल्ट कि ऐसा क्यों है। ये चीज़ पता क्या है, ये जब तुम नेक्स्ट अभी इसमें आगे देखेंगे, अब नेक्स्ट चैप्टर के अंदर डेरिवेटिव्स आएगा, तो ये एक्स की पावर एन का ए पॉइंट के अबाउट डेरिवेटिव है। यहाँ पे एक चीज़ मिसिंग है इसके अंदर, लिमिट नहीं लिखी कहाँ से कहाँ तक है, ये एक्स ए को अप्रोच कर रहा है तब है, मैं वही सोच रहा था। ये कब है, जब एक्स तुम्हारा ए पॉइंट को अप्रोच करेगा। यहाँ पे भी लिखना है, एक सेकेंड, यस सर, सी सी क्या है, ए है इस केस में। ये कोई भी रियल नंबर है जिसके अराउंड तुम अपने फंक्शन का मतलब तुम इस एक्सप्रेशन की लिमिट निकालना चाह रहे हो। अब देखो ध्यान से समझो इस चीज़ को, तुम्हें क्या निकालना है, इस ये जो पूरी चीज़ है इसकी लिमिट निकालनी है। यस सर, ये व्हेन किसी नेक्स्ट से, इज अप्रोचिंग हाँ ये किसी से मिलता जुलता लग रहा है, ये न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तुम्हें याद है हमने एक फंक्शन बड़े थे एफ एक्स अपॉन जी एक्स फॉर्म के, या फिर पी एक्स अपॉन क्यू एक्स, कुछ भी बोल लो उससे फर्क नहीं पड़ता, मतलब ये तो ये क्या थे, रैशनल फंक्शन। हाँ, याद है। अरे ये क्या थे, राशि फंक्शन, तो अब ये वाला जो है ये एक स्पेशल केस है इसका। ये क्या है, एक स्पेशल केस, क्योंकि इसकी एक स्पेशल फॉर्म है इसलिए है ऐसा। ये कुछ तुम्हें दिख रहा होगा ऊपर नीचे पावर वन है, ऊपर एन रेज कर दिए पावर है, यस सर, तो ये एक स्पेशल केस है उसका। ओके, तो इस केस में क्या कहता है ये हमसे बेसिकली, कि अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड पे जो चीज़ है उसकी लिमिट निकालना चाहता हूँ, तो मैं क्या निकाल दूँ, ये क्वांटिटी, इसको मेरे को कुछ पर्टिकुलर एन की वैल्यू फिक्स करनी पड़ेगी यहाँ पे समझने के लिए। लेट एन टू बी थ्री, एन क्या फिक्स कर लिया मैंने, थ्री, थ्री, और एक ए मेरे को ए बी बताओ, ए बी तो मैं फिक्स करना पड़ेगा से टू, टू, यस सर, ठीक है, क्योंकि हमें फिक्स करना पड़ेगा ना। लेकिन इंपॉर्टेंट देखो यहाँ पे एन क्या है, कोई कंस्ट्रेंट
कहाँ से आ रहा है? एन बिलोंग्स टू सेट ऑफ भाई सेट ऑफ इसका साइन का नाम भूल गया मैं, रैशनल नंबर्स रैशनल नंबर सर एक मिनट, क्यू है ना हाँ ये रैशनल नंबर, हाँ रैशनल हाँ नंबर। हाँ मैं रियल नंबर आ गए थे सॉरी रियल के लिए तो आर लिखेंगे वो ना, तो यस सर रैशनल सर कंफ्यूज हो गया। हमें एन क्या है कोई रैशनल पावर है, तो यहाँ पे थ्री भी एक रैशनल है, थ्री के नीचे कुछ नहीं है, 3/1 तो रैशनल बन गया। यस सर ठीक है, तो मैंने थ्री चूज़ कर लिया एन के वैल्यू। अब इसको देखते हैं, जब हम एन के वैल्यू थ्री चूज़ करेंगे तो हमें लिमिट में किसी फंक्शन की निकालता हूँ, तो मैं ये जो पूरी क्वांटिटी है इसको एफ एक्स मान सकता हूँ, यस इसको सर इसको ना मैं एक्स एक्स दे सकता हूँ ना, क्योंकि हमेशा मैं लिमिट एफ एक्स की निकालता हूँ ना एक्स अप्रोच करता है किसी नंबर को, तो मैंने इसको ना एफ एक्स दे दिया। यस सर अब मेरा एफ एक्स क्या फॉर्म ले लेगा जब तुम एन को रख दोगे और एक्स ए को रख दोगे? सर हमारा एक्स की पावर थ्री, हाँ वैसे और एक्स माइनस टू यस ये बन जाएगा, इसको मैं सिंपलीफाई कर सर सकता हूँ, इसको सिंपलीफाई कर सकते हैं ना, एक आइडेंटिटी अगर हमें पता हो, हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी है यस छोटी सर क्लासेस में कि एक हमारे क्यों मैं ए इसलिए लिख रहा हूँ कि ए ऑलरेडी ऊपर है, तो उससे कंफ्यूज मत होना, ओके सर यहाँ ए वो नहीं है, ए और भी कुछ भी हो सकते हैं। यस सर ये होता है, तो यस सर इसको यूज़ करके हम अपनी ऊपर वाला जो क्वांटिटी है उसको कैसे लिख सकते हैं? यहाँ से अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ, एक्स माइनस टू एक्स स्क्वेयर एक्स इंटू टू प्लस टू स्क्वेयर अपॉन एक्स माइनस टू। ठीक है, क्लियर? इसको अभी कैंसिल हो सकते हैं, ये ऐसे कैंसिल हो जाएगा सोचो कैंसिल क्यों हो सकते हैं, क्योंकि मैं लिमिटिंग वैल्यू ले रहा हूँ, मैं कैसी वैल्यू निकाल रहा हूँ, लिमिटिंग वैल्यू लिमिटिंग वैल्यू, इसलिए कैंसिल हो सकते हैं, मैं डायरेक्ट नहीं रख सकता यहाँ पे एक्स को ए, एक्स स्क्वायर रखूँगा तो नीचे जीरो बन जाएगा ना, यस सर ये लिमिटिंग वैल्यू है इसलिए वो कैंसिल हो सकते हैं, मतलब जब जब तुम एक्स की वैल्यूज़ लोगे ये टू के बराबर नहीं होंगे, टू के बहुत क्लोज होंगी, जब टू के बहुत क्लोज होंगी तो जो एक्स माइनस टू ये फैक्टर है नॉन जीरो होगा, यस सर समझो ध्यान से, जब तुम टू के बहुत करीब जा रहे हो तो पॉजिटिव राइट हैंड साइड से जाओगे लेफ्ट हैंड साइड से जाओगे, अगर राइट हैंड साइड से जाओगे तो टू से बड़ी वैल्यूज़ है मतलब एक्स की जो तुम चूज़ कर रहे हो, यस सर तो ये फैक्टर नॉन जीरो है ना यस हमेशा, सर एक्स जब दो से बड़ी वैल्यू उसमें दो घटाओगे तो कुछ पॉजिटिव क्वांटिटी मिलेगी ना, यस सर यहाँ भी पॉजिटिव मिलेगी, इसलिए कट कट पा रहे हैं, उसका तुम्हें लॉजिक बता रहा हूँ पीछे, ऐसे नहीं कि रैंडमली काट दिया हमने, उसका रीज़न समझा रहा हूँ ओके क्यों सर कैंसिल हो पा रहे हैं, क्यों नॉन जीरो है। यस सर तो अब तुम्हारा जो एक्सप्रेशन था ये किसके बराबर आ गया सिंपलीफाई होकर? एक्स स्क्वायर टू एक्स प्लस फोर क्लियर? अब यस तुम्हें सर तुम्हें क्या था निकालना है, इसकी लिमिट जब एक्स टू को अप्रोच करे निकाल लो, तो मैं लिमिट निकाल सकता हूँ एक्स अप्रोचेस टू, इस चीज़ की लिमिट निकालूंगा ना डायरेक्ट, अब टू टू क्योंकि ऐड गेस से टू क्योंकि पुट कर देंगे सिंपलीफाई सर करके आया ना वो, एक्स स्क्वायर प्लस यस सर टू एक्स प्लस फोर हो गया ना। अब इसके अंदर मैं वो रूल यूज़ कर सकता हूँ तुमने ऊपर पढ़ाया अभी कि एक फंक्शन पॉलिनोमियल हो गया है, यस किसी सर पॉलिनोमियल फंक्शन की किसी पॉइंट के अबाउट लिमिट निकालनी है तो मैं क्या करता हूँ उसमें डायरेक्टली वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देता हूँ हर जगह एक्स को, यस सर तो यहाँ पे टू जहाँ जहाँ एक्स एक्स टू है स्क्वायर उसको मैं टू से रिप्लेस कर दूंगा, यस सर प्लस टू एक्स कांस्टेंट तो टू कांस्टेंट ही प्लस रहेगा, फोर यस सर तो सॉल्व कर लोगे तो कितना बन जाएगा, टू स्क्वायर फोर फोर प्लस फोर 12 ज़्यादा क्लियर है, तो ये 12 निकली है यस तुम्हारी सर लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट नहीं लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड एल एच एस, मतलब अब समझो ध्यान से, ये लेफ्ट हैंड साइड मैंने निकाली है इस चीज़ की, ये कैलकुलेट किया है मैंने अभी,
यस सर, लेकिन ये रिजल्ट क्या कह रहा है कि हमें इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट अगर ये यूज़ कर लूँ तो भी वही वो लिमिट के बराबर आ जाएगा। एन ये माइनस क्या, वन, हाँ एन कौन है वाला सर? ये क्या कह रहा है कि जो ये एक्सप्रेशन है, मैं अगर इसकी लिमिट निकालना चाहता हूँ जब मेरा एक्स ए को अप्रोच करता है, तो मैं डायरेक्टली अगर ये चीज़ में वैल्यूज़ रख दूँ एन ए एन माइनस वन, जो मेरा एन और ए हैं जो यहाँ पे मैंने चूज़ किए हैं, तो डायरेक्टली इस चीज़ की लिमिट आ जाएगी, ये कह रहा है ये। ओके क्लियर? तो अब यहाँ पे मैं देखता हूँ इसको, जो मेरे एन और ए क्या हैं। एन तो सर 3 है हमारा, ए 2 है, तो 3 2 3 3 इंटू 2 स्क्वायर, 3 इंटू 4, -1 यस सर, 12। यस सर 12। ओ ये तो बहुत बढ़िया। तो मैंने तुम्हें वेरीफाई कराया है अभी, पहले हमने डायरेक्टली जो हमें पीछे प्रियर नॉलेज पता है उससे हमने निकाला, और इस 12 को मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 2 इंटू 3 माइनस 1 डायरेक्टली, विच इज सेम। सर तो ऐसा सही रहेगा, वो क्या कह रहा है लाइक यहाँ अगर पे, सेम कलम। वो क्या कह रहा है कि अगर तुम्हें हमेशा ये लिमिट इस फॉर्म की निकालनी है, इस तरीके का कुछ एक्सप्रेशन है, तो उसकी लिमिट तुम डायरेक्टली यहाँ से निकालोगे, कैलकुलेट नहीं करोगे आगे से, वो ये कह रहा है। ओके सर, ये सिंपलीफाइड है, इसके पीछे इसका पूरा प्रूफ है, क्यों है ये, इसके पीछे इसका पूरा प्रूफ है, प्रूफ पे नहीं जा रहा अभी। ओके सर, क्लियर? तो सर एग्जाम में ये सिंपली यूज कर सकते हैं ना, हाँ, आपको रिजल्ट यूज़ करना है लाइक आपके। ओके सर। ओके, तो ये रिजल्ट क्लियर। यहाँ पे रिमेंबर कि एन क्या है, कोई भी एक रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर, अब मैं तुम्हें कुछ इसके एक्सरसाइज देता हूँ, तुम्हें खुद से बाद में ट्राई करनी है, नोट डाउन कर लो, खुद भी तुम खुद से एक्सरसाइज क्रिएट कर सकते हो, उसमें कुछ नहीं है, एन और ए वेरी कराते जो एक्सरसाइज बनती जाएंगी। एग्जाम्पल देखो, लिमिट निकालनी है, एक्स अप्रोचेस 3, एक्स क्यूब माइनस, ये तो एन और ए सेम ही हो गए इस केस में, इस केस में एन भी क्या है 3 और ए भी क्या है 3, ये समझ पा रहे हो? एक्स की पावर यस एन सर, एन होता है ना, तो एन 3, ए की पावर एन ए भी 3 एन लिया है। और एट, यस सर, दूसरा निकालना है सी भी तुम्हें, रही है। लिमिट ऑफ एक्स अप्रोचेस -1 ऑफ एक्स की पावर 2/3 माइनस -1 की पावर, रुक जाओ तुम नेगेटिव पे, फ्रैक्शनल वैल्यू रुक जाओ, इसको प्लस बना दो, 1 बना लो, ठीक है? क्वेश्चन क्लियर? इस केस में सर ऐसा क्वेश्चन मत दो, टू कुछ बाय नहीं है, थ्री इसके टू अंदर बाय एन फाइव एन क्या है, चलो मैं इसको करा देता हूँ तुम्हें। फॉर्मूला क्या कह रहा था, ऐसी लिमिट निकालनी है तो फॉर्मूला क्या बनेगा डायरेक्ट, एन ए एन माइनस वन यस सर, क्या बनेगा, एन एन ए अपॉन एन बिल्कुल एन ए अपॉन, नहीं उसकी पावर अपॉन एक कम हो जाएगी, अपॉन सॉरी पावर। हाँ ये सर, तो मेरे को एन एन बताओ यहाँ से क्या है, एन है सर हमारा 2/3 इंटू ए जो 1 है हमारा, फिर 2/3 -1। -1/3। 1 की नॉन जीरो पावर हमेशा 1 होती है, 1 की नॉन जीरो पावर हमेशा क्या होती है, 1, नॉन इनफैक्ट 0 भी 1 होती है, वन, तो ये डायरेक्ट क्या आ जाएगा। यस सर 2/3, तो तुम्हें यस इतना सर। ही कॉम्प्लिकेटेड ओ सा दिखने वाला एक्सप्रेशन की लिमिट तुमने डायरेक्टली निकाल दी, बस तुम्हें फॉर्मूले से कंपेयर यस सर, करके एन और ए निकालने हैं। ओके सर, क्लियर? यस सर। ओके, तो इसमें अभी इसके बाद अब कर लो क्या एक्सरसाइज, यस सर, अगर वो मतलब अभी तो डिफिकल्ट नहीं है ना, तुम्हें दिखने में डिफिकल्ट लग रहा है पर है बहुत सिंपल, ये बोल रहा हूँ मैं। यस सर, वही इशू आ रहा था, देख कर लग रहा था। ठीक है, और एक और बना देते हैं,
कोई दिक्कत तो नहीं ना, इसे कंपेयर करके हो जाएगा। ये दिखने में कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत सिंपल। यस सर कर लूंगा। ये पाई है, ठीक है, यस सर ओके। अरे पाई मतलब कि कोई वैल्यू है हमारी। पाई कोई भी वैल्यू नहीं है, पाई ये होता है वैसे, 3.14 22 वो अप्रॉक्स होता है, बाय 7 3.14 अप्रॉक्स होता है, एग्जैक्ट नहीं। ओके ओके अच्छा मेरे को लगा आपने ऐसे ले क्योंकि जैसे मैंने एल्स बोल दिया मैंने था। तुम्हें उसको यूज़ नहीं करना, तुम्हें बता रहा हूँ मैं, पाई है, सी की वैल्यू में पाई भी तो ले सकता हूँ। यहाँ पे जो ए या सी जो भी तुम बोलते हो इसको, ये वही यस सर तो रियल नंबर है यस ना, पाई सर भी तो रियल नंबर है। यस सर क्लियर? तो हमने ये फिर वैल्यू यूज नहीं करनी बट यूज़ नहीं करना तुम्हें, बस वो डायरेक्टली सिंप्लीफाई करना है इसको, रिजल्ट यूज़ करना है मतलब वहाँ से। तो हमने इसके अंदर अपने ओके सर फोर्थ भी देख लिया, फिफ्थ भी देख लिया, सेकंड बच गया लास्ट। सेकंड बहुत सिंपल है, सेकंड मैं गेस करूं देखो इसमें मैं समझाता हूँ, इसको सिंपलीफाई नहीं करा रहा, कुछ नहीं है। ये क्या कहता है कि तुम्हें अगर फंक्शन की ये वाली फॉर्म है एक्स की पावर एन इस कोई तरीके का पावर है, है सर। तो लिमिट अगर निकालनी है सी के अराउंड इस फंक्शन की, तो तुम एक्स को किससे रिप्लेस कर दो डायरेक्ट, सी सी से, सर वही लिमिट आ जाएगी। ये कह रहा है ये, इस पे कुछ एग्जांपल देखो, यहाँ पे 2 है हमें हमें ओके सर एग्जांपल देखो क्या कह रहा है ये। क्या निकालना है? ये थर्ड वाला है ना, जो भी है सेकंड है शायद, रिजल्ट का नाम सेकंड रिजल्ट है। क्या कह रहा है इसमें कि लिमिट ऑफ एन कुछ भी हो सकता है, या फिर इसको और कैसे लिख सकता हूँ, एन कहाँ से बिलोंग कर रहा है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। नेचुरल तो कुछ एन फिक्स कर लो यहाँ पे, बोलो वन ले लेते हैं 2 वन ले लेते हैं, तो सी भी लो एक, तो लेफ्ट साइड में एक्सप्रेशन कैसा दिखेगा, लिमिट ऑफ एक्स की पावर एक्स 1 एक्स की पावर 1 व्हेन एक्स अप्रोचेस टू 2 तो इज उसका इक्वल आंसर टू क्या टू आएगा, 2 की पावर, के पावर 1 दैट इज सिंपली ओके 2 वेरी नाइस इसको ऐसे भी ले सकते हो, लिमिट ऑफ एक्स डायरेक्ट। अब देखो ये अगर अप्रोचिंग इसको टू तुम देखो नेक्स्ट वाले रिजल्ट से, हमने रिजल्ट 4 पढ़ा था पॉलिनोमियल वाला, पॉलिनोमियल फंक्शन, तो एक्स यस ये भी सर तो एक पॉलिनोमियल है, यस सर तो वो रिजल्ट क्या कहता था कि उसमें डायरेक्ट सब्सटीट्यूट कर दो, वो हो गया वो तो तुम यहाँ उठ से ही आई है वेरीफाई कर रहे हो, मतलब उसको वेरीफाई कर रहे हो तुम यहाँ से। लेकिन मैं कह कुछ और रहा हूँ, यहाँ पे क्या है, तुमने एन को 1 पुट किया, एन को कुछ और लो, एन को कुछ और, एन को ले लेते हैं लेट्स टेक इट 3 और सी, 3 सी नहीं को लेकिन पॉइंट कैसे है थ्री एन तो नेचुरल नंबर ले सकते हो ना, पॉइंट एन की चॉइसेस ये हैं हाँ तुम्हारी। नेचुरल तो सर 2.5 ले ले टू हाँ तो पॉइंट है, फाइव सॉरी टू नहीं टू सॉरी टू सी, लेते हैं सी रियल नंबर है ना, सी पे मैंने कोई रिस्ट्रिक्शन थोड़ी लगाई है, यस सर अच्छा सीरियल ओके देन सी ओके स्टार्टिंग से ही रियल है पूरे चैप्टर में अभी तक। यस सर यस सर वो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था एनओसी में लाइक मेरे को लग रहा था दोनों ही नेचुरल लेने सर नहीं, नेचुरल खाली एन है, पावर नेचुरल है, ठीक है बेस बेस ना ऐसा तो सी लिमिटिंग, छोटा ले सकते हैं ना इसमें तो फिर हाँ ले सकते हैं, तो 2.5 ले लेते हैं फिर हाँ 2.5 ले सकते हैं हाँ सी बिल्कुल ले सकते हैं। ले लेते हैं फिर तो एक्सप्रेशन क्या बनेगा, लिमिट ऑफ एक्स व्हेन एक्स अप्रोचेस टू एक्स या एक्स की पावर लिमिट थ्री ऑफ यहाँ यस सर एक्स की पावर 3 व्हेन एक्स अप्रोचेस 2.5 इज इक्वल टू 2.5 पावर 3 यस ये बन गया ना, यस सर इसको अगर ऐसे भी ले सकते हो तुम, सिंपलीफाई करना है उसके लिए, 2.5 यस का सर मतलब ये भी है ना, 5/2, यस सर
इसको तुम सिंपलीफाई कर लोगे 125 बाई 8 जो भी डेसिमल में आएगा लिख लेना, इसको ऐसे भी छोड़ सकते हो। तो ये रिजल्ट्स हैं, यस सर, क्लियर है इसकी एप्लीकेशन अभी? यस सर। कुछ भी नहीं था इन पांचों रिजल्ट्स के अंदर, बिल्कुल सिंपल से थे रिजल्ट, हमने सारे रिजल्ट देख लिए हैं अभी तक इस जो स्टैंडर्ड रिजल्ट्स में। पहला क्या था कि अल्फा कोई फिक्स रियल नंबर है, मतलब फंक्शन कैसा है यहाँ पे, कांस्टेंट एफ एक्स क्या अल्फा, कॉन्स्टेंट है, इक्वल रहेगा। तो तुम कहीं भी एक्स को वेरी कराते जाओ फंक्शन की वैल्यू तो वही आएगी किसी भी एक्स पे, तो सी के अराउंड लिमिट निकालोगे तो वही आएगी, तो इसलिए लिमिट ऑफ अल्फा व्हेन एक्स अप्रोचेस सी इज अल्फा। फिर ये यस सर, सेकंड वाला तुम्हें मैंने अभी समझाया, थर्ड वाला मॉडुलस फंक्शन के लिए स्पेशल केस बताया था, यस सर। फोर्थ फिफ्थ अभी हम डिस्कस कर लिए। जो फिफ्थ वाला केस है इसमें तुम्हें ये चीज़ याद रखनी है, इसकी इसके रिमेम्बरेंस के लिए कैसे याद रखना है, ये पावर आगे आएगी, पावर क्या आएगी आगे, यहाँ आ गई, और तुम लिमिट क्या निकाल रहे हो एक्स की, ए के अबाउट, किसके अबाउट, ए के अबाउट। एक ही बात, तो तुम पावर को आगे लाओगे जो एक्स की पावर है, और एक्स में ए से रिप्लेस करके पावर कम कर दोगे। बोलिए सर। ये जब हम डेरिवेटिव्स पढ़ेंगे तब समझ में आएगा कि ऐसे क्यों है, इसका रीज़न क्या है ये, मतलब वो वहाँ पे क्या बोलते हैं, तुम समझ में आएगा कि ये कैसे ड्राइव हुआ है, ये राइट हैंड साइड क्यों है ऐसे। एक बोलते हैं वहाँ पे फर्स्ट प्रिंसिपल करके आता है एक, तो उसके थ्रू ये पूरा ड्राइव होता है। क्लियर ओके है सर, यहाँ तक? क्लियर है, यस सर, यस ठीक सर, है। तो ये हमने अभी कवर कर लिए इसके इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे इस पे प्रोसीड करेंगे और बढ़ेंगे अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स। अलजेब्रा मतलब ओके सर, कुछ भी आर्बिट्री फंक्शन एफ और जी, दो फंक्शन, दो से ज़्यादा फंक्शन, जैसे नंबर्स के बीच में तुमने अलजेब्रा करना सीखा है, तो फंक्शंस के बीच में अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स का मतलब क्या है, कुछ एक्सप्रेशन ऐसा, जैसे अगर एफ और जी दो फंक्शन हैं तो तुम उनके सम की भी लिमिट निकाल सकते हो जब तुम्हारा एक्स किसी नंबर को अप्रोच कर रहा है। तो इस तरीके के एक्सप्रेशन का क्या फॉर्म है, प्लस मतलब ये अलजेब्रा यहाँ पे ऑपरेशन है, प्लस ये माइनस भी हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है, डिवीज़न भी एक स्पेशल केस में हो सकता है जब उसका डिनोमिनेटर नॉन जीरो हो। तो ये सब चीज़ें देखने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर।